ओम शांति। 11 सितंबर की शिरोधन में सबका स्वागत है। परमात्मा कहते हैं कि त्रिकालदर्शी बन दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाने वाले सफलता संपन्न भव। त्रिकालदर्शी को कहा भी जाएगा कि आगे पीछे का देख करके सोच समझ करके काम करो। लकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों कालों को देख करके सोच करके अगर हम एक्शन लेंगे, ऐसा करेंगे तो उसका असर क्या पड़ेगा। तो बाप दादा ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है, डिवाइन इंटेलेक्ट। बुद्धि क्लियर हो, हर चीज़ स्पष्ट समझे और दिखे। दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो। जब तक हमारी बुद्धि दिव्य नहीं होती है, तब तक हम परमात्मा पिता को पहचान नहीं सकते, अपने आप को, बल्कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं धरती पर, कब से आए हुए हैं और अब क्या होने वाला है, तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हैं। सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो दिव्य बुद्धि के द्वारा। दिव्य बुद्धि वाली आत्मा कोई भी संकल्प को कर्म व वाणी में लाने के पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दिव्य बुद्धि वाली आत्मा कोई भी संकल्प को कर्म व वाणी में लाने से पहले हर बोल व कर्म के तीनों काल जानकर, कि अगर मैंने ऐसे बोला या मैंने अगर इसको ऐसे करा तो इसका क्या असर पड़ेगा अभी और फ्यूचर में, भविष्य में, और इसका पास से क्या कनेक्शन है, प्रैक्टिकल में आती है वो आत्मा है, तीनों चीज़ों को देख करके। उनके आगे पास्ट और फ्यूचर भी इतना स्पष्ट होता है जितना प्रेजेंट स्पष्ट है। अभी वर्तमान में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, पास्ट की वजह से, उसमें मैं क्या करूं अभी ताकि मेरा फ्यूचर पे ये असर पड़े, वो हम अपने कंट्रोल में ले सकते हैं और हमें पता होता है कि क्या करने से क्या होगा। ऐसे दिव्य बुद्धि वाले त्रिकालदर्शी होने के कारण सदा सफलता संपन्न बन जाते हैं। ओम शांति।